हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप सब? हाँ जी, आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माय सेल्फ वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज के इस वीडियो में, जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट पेपर वन अकाउंटिंग की फॉर मे 2020 अटेम्प्ट। मे 2020 अटेम्प्ट के लिए हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग आपको एक प्रीवियस वीडियो भी दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा, तो सबसे पहले जाकर इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, अब क्या करने जा रहे हैं, हम उस वीडियो को आगे प्रोसीड करेंगे और हम अपना एक चैप्टर, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था सिंगल एंट्री का, आई होप सो आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। अगर पूरी तरीके से रिवाइज नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना रिवाइज कर लिया अब आप मेरे साथ क्या करिए, उसको एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, कुछ इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एक आपको तरीका पता लग जाएगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, फिर दोबारा आप इसका चैप्टर को जाकर घर पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो एक आपका माइंड मेकअप हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से मेरे को प्रोसीड करके चलना है। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप पहले पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर आके इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है जी, तो हम प्रोसीड करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, दैट इज योर सिंगल एंट्री, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हाँ जी, तो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये देखिए जी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये चैप्टर है क्या, आई होप सो थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत क्या सर, प्रॉपर तरीके से हमने पढ़ाई तो कर ही रखी है, तो देखते हैं सर। ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो जनरली 8, 10, 12, 15, 8, 10, 12, 15 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में मैंने देखा है। पिछले अगर मैं 5 अटेम्प्ट की बात करूं तो 5 में से 4 अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया है, तो देखा जाए तो ये चैप्टर सर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चैप्टर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, चैप्टर में थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए ये क्या है, इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, जो बेसिकली इसमें दो कंसेप्ट बनते हैं, दैट इज योर पहला कंसेप्ट है कन्वर्जन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इनटू फाइनल अकाउंट्स। हाँ जी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से तैयार करेंगे। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, एक छोटा सा बिजनेसमैन है, उसको बैंक से जाकर लोन लेना है। वो क्या करेगा, जब आप सीए बनेंगे, आप प्रैक्टिस में जाएंगे, तो आपके पास आएगा वो पर्सन, वो बिजनेसमैन आएगा और वो कहेगा कि सर मेरा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दीजिए, क्योंकि मुझे बैंक में सबमिट करना है, सो दैट बैंक मुझे लोन प्रोवाइड करेंगे। अब आप मुझे बताइए, आपको उसके फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं तो आप सबसे पहले उससे क्या मांगेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अगर आप अपनी 11th क्लास को रिवाइंड करेंगे तो आपने एक अकाउंटिंग प्रोसेस सीखा था, क्या होता था सर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। तो मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। तो आप उस पर्सन से मांगेंगे कि भैया ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है या नहीं, वो कहेगा कि सर मेरे पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट कीपिंग रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो कोई अकाउंटिंग कर ही नहीं रहा। फिर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल होगी, वो कहता है बिल्कुल सर मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मेरे पास मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास सेल परचेज के बिल है, मेरे पास डेटर क्रेडिटर्स के अमाउंट है, मेरे पास कुछ पुराना स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू है, वगैरह वगैरह। वो कहेगा कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, बट दैट इज इनकम्प्लीट, आधे अधूरे है। तो क्या आप उसको प्रोसेस करके फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो, आंसर इज यस, हम बना सकते हैं। इसी चैप्टर में हमें वो चीज सीखने को मिलती है। तो एक एस्पेक्ट तो क्या है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट आता है जी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, तो क्या वो भी कर सकते हैं, आंसर इज बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर यही काम करता है,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि असेसी को बोल, असेसी के यहाँ पर रेड करता है। रेड करने के बाद उसको कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं, आधे अधूरे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उस रिकॉर्ड्स को यूज करके, उस रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करके वो एसएससी का प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, और प्रॉफिट के ऊपर फिर वो टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये दो एस्पेक्ट हमें कवर करके चलने हैं। अगर मैं पहले एस्पेक्ट की बात करूं तो इसमें जनरली बड़ा क्वेश्चन बनता है, 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और जो दूसरा एस्पेक्ट है इसमें छोटा बनता है, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन कोई भी एस्पेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, पार्ट ए भी पार्ट बी भी। ठीक है जी, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर पार्ट ए क्या कहता है। देखिए अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, पार्ट ए में आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, देखिए इसको कुछ स्टेप्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है दैट इज योर, आपको कुछ लेजर अकाउंट्स तैयार करनी है। देखिए आपने 11th क्लास में जब आपने ट्रांजेक्शंस पढ़ी होंगी, फॉर एग्जांपल ये ट्रांजेक्शन है 1 2 3, ऐसे ऑन ट्रांजेक्शन चलती जा रही है, इससे आप क्या करते थे, इससे आप जर्नल बनाते थे, जर्नल से लेजर बनाते थे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन ट्रांजेक्शन से डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स की तरफ जाएंगे। अब आपको ये सब चीजें नहीं करनी, जर्नल नहीं बनाना, लेजर नहीं बनाना, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, क्योंकि आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, इस आधे अधूरे रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट्स के तरफ मूव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सम फ्यू लेजर, कुछ थोड़े थोड़े लेजर्स को यूज करके, फ्यू लेजर्स को यूज करके हम सीधा सीधा फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं। मुझे बताइए अगर मैं किसी भी ट्रांजेक्शन की बात करूं, तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो उस ट्रांजेक्शन को कितनी बार पोस्ट करेंगे सर, 2 बार पोस्टिंग उसकी होनी मैंडेटरी है। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई ट्रांजेक्शन गिवन है इन द क्वेश्चन, तो उसकी 2 बार पोस्टिंग होगी, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डुअल एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, कुछ डेबिट है तो कुछ क्रेडिट भी होगा, तो 2 एस्पेक्ट आपको करने ही करने। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में अकाउंट दिया रहता है, या आपको लेजर अकाउंट दे दिया, तो लेजर अकाउंट से जो आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्टिंग होगी। वाई, क्योंकि एक पोस्टिंग तो उसके इस लेजर अकाउंट में हो रखी है, तो आपको सिर्फ अब क्या करनी है, एक ही पोस्टिंग, एक ही बारी में उसकी पोस्टिंग करके चलनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कुछ लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। जनरली जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वही लेजर अकाउंट्स बनते हैं। कौन कौन से, एक आपका बनेगा डेटर्स अकाउंट, और डेटर के साथ साथ बीआर अकाउंट भी बनाया जाता है, डेटर्स अकाउंट एंड बीआर अकाउंट। उसके बाद आपका क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स अकाउंट के साथ साथ आपका बनेगा बिल्स पेबल अकाउंट, बीपी अकाउंट। उसके बाद आपका बनेगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट, आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है क्वेश्चन में। उसके बाद आप बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। ये कैश एंड बैंक अकाउंट आपका कंबाइंड भी हो सकता है, अगर आपको ट्रांजेक्शन, क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन गिवन है वो कंबाइंड तरीके, कैश और बैंक इकट्ठे तरीके है, तो आप कैश और बैंक कंबाइंड अकाउंट बना लेंगे। और अगर आपको दोनों की सेपरेट सेपरेट ट्रांजेक्शन गिवन है तो आप दोनों के सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करके चलेंगे। हाँ जी, अब आगे देखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू, जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी क्वेश्चन में, जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी या कोई भी ट्रांजेक्शन गिवन रहेगी, उसको क्या करोगे, उसको आप 2 बार उसकी पोस्टिंग करोगे, एक तो उसके अकाउंट में, एक दूसरे किसी अकाउंट में जो अफेक्ट कर रही है। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन अकाउंट से गिवन है, मतलब लेजर अकाउंट कोई दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो उस लेजर अकाउंट की आपको सिर्फ एक ही पोस्टिंग करनी है, क्योंकि एक पोस्टिंग तो उसी लेजर अकाउंट में हो रखी है। तो सिंपल आप क्या करेंगे सर, एक ही पोस्टिंग उसकी करके चलेंगे, स्टेप नंबर थ्री। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप अपने फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे कि आपको पता है फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन आता है सर इनका फॉर्मेट क्या रहेगा, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जो बनानी है इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या हम शेड्यूल 3 को फॉलो कर सकते हैं, बताइए जी, क्या हम शेड्यूल 3 को फॉलो कर सकते हैं। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्यों, क्योंकि अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है तो शेड्यूल कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 128 एंड 129 वो मैंडेट करते हैं कंपनी को टू प्रिपेयर हिज अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। वो मैंडेट करता है कि भैया कंपनी को अपनी अकाउंटिंग करनी मैंडेटरी है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इनके ऊपर कोई भी कंपल्सन नहीं है कि वो अपनी अकाउंटिंग करे या ना करे। तो जनरली जो सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के हिसाब से वर्क किया जाता है वो जनरली सोल प्रोप्राइटर के लिए ही किया जाता है, क्योंकि कंपनी तो अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर ही रही है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी।
आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस निकालने, क्योंकि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस निकलेगा उसमें आप एडिशनल कैपिटल डालेंगे, उसमें से आप ड्रॉइंग्स लेस करेंगे और उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगी, और क्लोजिंग कैपिटल आपको बैलेंस शीट कंप्लीट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल के लिए यू हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। और कभी कभी क्या होता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट से आप कोई मिसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन गिवन नहीं रहती है, मिसिंग रहती है, वो मिसिंग फिगर निकालने के लिए भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको कभी कभी एग्जाम में एक्सपेंस अकाउंट भी बनाने के लिए बोलता है। हाँ जी, एक्सपेंस अकाउंट भी आपको बनाना पड़ सकता है। एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट कब बनाएंगे? ओनली व्हेन एडजस्टमेंट्स आर गिवन। एक्सपेंस अकाउंट तब बनाएंगे जब एडजस्टमेंट्स गिवन रहेंगे आपको क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट लाइक, जैसे आपको प्रीपेड दे रखा है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है। मैं आपको एक तरीके से फॉर्मेट बता देता हूँ एक्सपेंस अकाउंट का। तो ये आपका कुछ इस तरीके से एक्सपेंस अकाउंट रहेगा। हाँ जी, इसमें आप क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। व्हाट इज टू बैलेंस बीडी? ये क्या रहेगा? ये रहेगा आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि एसेट होता है प्रीपेड, तो एसेट को मैंने वो उतार दिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। बाय बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी से क्या आता है सर? लाइबिलिटी से आता है हमारा कोई आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग की डिटेल डाल दी। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी में क्या रहेगा? टू बैलेंस सीडी में आपका आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, और बाय बैलेंस सीडी में क्या रहेगा? बाय बैलेंस सीडी में आपका प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। हाँ जी, अब मुझे बताइए, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक्सपेंसेस पेड, तो आप क्या करेंगे? आप एक एंट्री डालेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कंफ्यूजन हो, जब भी देर इज एनी कंफ्यूजन, तो पास जर्नल एंट्री, एंट्री पास कर लीजिए रफ में, फिर उसको पोस्ट करिए तो आसान हो जाएगा। अब मुझे बताइए एक्सपेंस पेड की एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक्सपेंस टू बैंक की एंट्री डाली तो हमने क्या लिखा यहां पर? टू बैंक। ये हो गया आपका एक्सपेंस पेड। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आएगी? आपकी पीएनएल अकाउंट में कितना एक्सपेंस डेबिट किया जाएगा, ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर। बताइए जी, क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका एक्सपेंस अकाउंट, अगर आपको क्वेश्चन में बनाने की जरूरत पड़ती है तो आप बनाएंगे। हाँ जी, आगे देखिए। उसके बाद कभी कभी आपको क्वेश्चन में रेशियोज भी गिवन रहती है। हाँ जी, रेशियोज को यूज करके आप मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं। लाइक आपको जीपी रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो जीपी रेशियो क्या होती थी? जीपी होती थी जीपी अपॉन में सेल्स इंटू में 100। तो जीपी रेशियो को यूज करके आप सेल्स भी निकाल सकते हैं। सेल्स को यूज करके आप कभी कभी आपको सीओजीएस भी निकालनी पड़ सकती है। सीओजीएस क्या होता है? सीओजीएस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको सीओजीएस भी निकालने को बोल सकता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जीपी इज 1/4 ऑन कॉस्ट, तो वो सेल्स का कितना होगा? अगर आपको याद हो तो 1/5 ऑन सेल्स। अगर जीपी इज 1/5 ऑन कॉस्ट, तो क्या होगा? 1/6 ऑन सेल्स। इफ जीपी इज, अगर जीपी है आपका 1/8 ऑन सेल्स, तो कॉस्ट का कितना रहेगा जी? कॉस्ट का हो जाएगा 1/7 ऑन कॉस्ट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। ठीक है जी। और आपको क्या आ सकता है क्वेश्चन में सर, और कोई एडजस्टमेंट आपकी? हाँ जी, एक और चीज ध्यान रखिएगा, कैश और बैंक। कैश और बैंक को जब आप क्लोज करेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? कैश और बैंक को क्लोज करते समय आप कोई मिसिंग वैल्यू ढूंढेंगे कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है क्वेश्चन में। और अगर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं दिखती है तो कैश में आपका एडिशनल कैपिटल, अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो एडिशनल कैपिटल हो जाएगी, और अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो वो ड्रॉइंग्स कहलाएगी। अगर कुछ भी नहीं मिलेगी तब एजम्पशन आपको लगानी है। लेजर अकाउंट्स क्लोज करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। यू हैव टू यूज बेस्ट एजम्पशन, जो परफेक्ट और बेस्ट एजम्पशन बैठती है उस सिचुएशन में वही आप यूज करेंगे। बेतुकी एजम्पशन से काम नहीं बनेगा। ठीक है जी। और इसमें पॉइंट आपके बनते हैं, आपको कई बार क्वेश्चन में लैग रेशियोज भी गिवन रहती हैं, तो लैग रेशियोज को भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये लैग रेशियोज क्या होती है सर? ये देखिए जी, लैग रेशियोज में आपके पास दो रेशियो आती हैं। जैसे होता है डेटर्स कलेक्शन पीरियड, कि डेटर से कितने टाइम में पैसे आते हैं, तो डेटर कलेक्शन पीरियड विल बी
क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग डेटर्स। तो इसको यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके कभी कभी आपको क्रेडिट सेल निकालनी पड़ सकती है, कभी कभी आपको क्लोजिंग डेटर्स निकालने पड़ सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में कभी कभी गिवन रहता है। एवरेज पेमेंट पीरियड या क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, तो ये क्या रहेगा आपका, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो पेमेंट पीरियड भी आपको दिया रहता है, तो उसको यूज करके आपको कभी कभी क्रेडिट परचेज निकालने की जरूरत पड़ जाती है, एंड कभी कभी आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी निकालने पड़ जाते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ बातें हैं हमारे पास, बताइए। ओके, उसके बाद हाँ जी, तो ये हमारा पहला एस्पेक्ट था कि कन्वर्जन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इनटू फाइनल अकाउंट्स, कि किस तरीके से हम उसको फाइनल अकाउंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे रिलेटिंग हम एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर हम दूसरे एस्पेक्ट पे आएंगे। पहले इसका क्वेश्चन देखिए। देखिए, आईसीए के स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहा हूं मैं, तो चैप्टर नंबर 14 है आईसीए के स्टडी मटेरियल का। इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यही मैं कराने की सोच रहा था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो आइए जी, पढ़िए से। ये आपका पेज नंबर है आईसीए की स्टडी मटेरियल का, पेज नंबर 14.22, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है मेरे 2020 अटेम्प्ट के लिए, तो उसको देखिएगा। हाँ जी, पढ़िए भी क्वेश्चन क्या कहता है। वो कहता है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार, हु रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। एक मिनट, हल्का सा पॉज। आपको कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, लाइक 31 मार्च 16 का बैलेंस दे रखा है आपको, और आपको कब कब का दे रखा है, 31 मार्च 2017 का। यानी कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, किसका, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग, मोटर कार का ओपनिंग क्लोजिंग, इन्वेंटरी का ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग गिवन है, बिल्स पेबल ओपनिंग क्लोजिंग, कैश एंड बैंक, देखिए कंबाइंड दे रखा है कैश एंड बैंक, ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर्स ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग मिसिंग है, बीआर का आपको ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग दोनों गिवन है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग मिसिंग है, कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग बिसाइड सर्टेन अदर आइटम्स। कुछ आपको कैश ट्रांजेक्शन दे रखी है, क्या क्या, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स वगैरह वगैरह, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड कैश सेल्स, नॉर्मल कैश ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं आपको। अदर इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या दे रखा है, वो कह रहे हैं बी आर ड्रॉन्ग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹20,000 एंड बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 16,000 रुपए। ठीक है, 20,000 के बी आर ड्रॉ करे और 16,000 के बिल्स पेबल एक्सेप्ट करे। ओके, वो कहता है सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 16 वॉज 20,000 वॉज सोल्ड ऑन 30 सितंबर फॉर ₹8,000। ठीक है जी, कुछ पुराना मश फर्नीचर था 20,000 रुपए की, आप उसकी वैल्यू थी WDV, उसको हमने 30 सितंबर को बेच दिया कितने में, 8,000 रुपए में। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बिल्डिंग और फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोल रहा है, वो 10% का। एंड ऑन मोटर कार इज 20,000, मोटर कार पे कितना कह रहा है, वो 20% का लगाना है। डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ्स। ठीक है जी, जो ये फर्नीचर बेचा है 20,000 वाला, इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। एन एडिशन टू द बिल्डिंग फॉर होल ईयर, बिल्डिंग जो एडिशन हुई है उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, करेंगे अभी वाली एडजस्टमेंट। ऑफ द डेटर्स अ सम ऑफ ₹8,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज प्रोवाइडेड एट 2%। ठीक है जी, वो कह रहे हैं डेटर्स में से दो 8,000 के तो बैड डेट्स हो गए, और रिजर्व हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है, 2% का बनाना है। ओके, बन जाएगा। मिस्टर शिव कुमार इज मेंटेनिंग अ स्टीडी जीपी रेट ऑफ 30% ऑन टर्नओवर। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या दे रखी है, 30% दे रखी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 16 वॉज 8,000 एंड ऑन 31 मार्च 17 वॉज 10,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। ऑन 31 मार्च 16 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। वो कह रहा है पीएनएल अकाउंट का भी हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 40,000 का। ठीक है जी, ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड फॉर
कैश, वो कह रहा है जो भी आप टोटल सेल या परचेज निकालेंगे उसकी 20% तो कैश है। एडिशन इन द फर्नीचर अकाउंट टुक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड देयर वाज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन डेटा क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए हमें इसको किस तरीके से प्रोसीड करना है, सिंगल एंट्री क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड करना है। देखिए क्वेश्चन पूरा ठीक हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपके स्टेप्स ठीक होने चाहिए। स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन में, तो जितनी एडजस्टमेंट्स आप ठीक करेंगे आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सब बैलेंस शीट मैच होगी तो ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टेप वाइज आप लोगों को क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर क्या होगी आपकी, ये इलस्ट्रेशन है 5, तो हेडिंग दे देते हैं ऊपर इलस्ट्रेशन 5। तो ठीक है जी, फॉर्मूले बनाएंगे आप सबसे पहले तो फाइनल अकाउंट्स के। आपका जो मेन पार्ट रहता है क्वेश्चन में वो क्या रहता है, फाइनल अकाउंट्स का रहता है। तो फाइनल अकाउंट्स के आप लोग को फॉर्मेट बनाने हैं। हाँ जी, बनाइए। हाँ जी, हाँ जी, एक आप बता लीजिए ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट। जी आपका हो गया ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, एक आप बना लीजिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हाँ जी, सो ये हो गया आपका ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और ये हो गया आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट उसने क्या बोला है, कौन सी डेट की बनाने के लिए बोला है, 31 मार्च 2017, तो ये हो गया 31 मार्च 17। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा इसके बाद, आपको एक ये तो आपने फेयर बना लिया, बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट तो बना लिया आपने। अब आप क्या कीजिएगा, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ वर्किंग नोट्स। अब आपको साथ साथ वर्किंग नोट्स भी बना के चलने हैं क्वेश्चन में, क्योंकि वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये हो गया आपके वर्किंग नोट्स। लेजर अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, लेजर अकाउंट्स। एक फॉर्मेट और बनाइए, तो ये आपके लेजर अकाउंट्स हो गए। अब जैसे जैसे आपको डेटा गिवन है वैसे वैसे आप उसको क्या कर दीजिए सर, पोस्ट करना शुरू कीजिए। देखिए बिल्डिंग आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रहे हैं, बताइए जी बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले क्या लिखूं मैं, आप एक बना लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट, प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद फिर आप बनाइए जो जो आपको अकाउंट्स की
रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट, तो आप ये बना लीजिए बिल्डिंग अकाउंट। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट के बाद, अच्छा बिल्डिंग अकाउंट आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना दे रखा है ये गिवन है आपको 320, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 360, तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी 360। मुझे अब एक चीज सोच के बताइए, ये जो 360 का आपको बैलेंस गिवन है क्लोजिंग, क्या ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है या बिफोर डेप्रिसिएशन है? जो 360 दे रखा है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है या बिफोर डेप्रिसिएशन है? सोच के बताइए, दिस इज बिफोर डेप्रिसिएशन, व्हाई? बिकॉज ये लेजर अकाउंट का बैलेंस है और डेप्रिसिएशन लगता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो एडजस्टमेंट होती है। तो जो हमारा बिल्डिंग अकाउंट ये बन रहा है, तो इस बिल्डिंग अकाउंट में क्या आती है, एडिशन और डिलीशन आ रही है, इसमें अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया, वो अब हम चार्ज करेंगे। तो ये जो 360 का बैलेंस है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज बिफोर डेप्रिसिएशन, दिस इज बिफोर डेप्रिसिएशन। अब देखिए वो क्या कह रहा है डेप्रिसिएशन के बारे में, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो कहता है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर है 10% पर एनम, तो बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन लगा रहा है, वो कह रहा है 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बाय डेप्रिसिएशन, यानी कि जो 360 की वैल्यू आ रही है इस पे कितना लगेगा, 36,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब जो हमारी बैलेंस बचेगा बैलेंस बीडी, दैट इज बैलेंस सीडी दैट इज माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज 36,000, तो इसको माइनस करके आपका निकल के आएगा 3,24,000, ये आपका बैलेंस रहेगा। तो अब इसको कैसे कैसे पोस्ट करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखना है कि हर एक एंट्री को आपको दो बार पोस्ट करना है, कितनी बार करना है, दो बार पोस्ट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बिल्डिंग को मैं यहां लिखूंगा बिल्डिंग 320, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये लिखा मैंने यहां पर बिल्डिंग 324, और क्या क्या डालना है आपको बताइए जी, और क्या क्या डालना है? हाँ जी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आप डाल दीजिए पीएनएल अकाउंट में, दैट इज योर टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना निकाला 36,000। आई थिंक बिल्डिंग की सारी बात पूरी होगी, बिल्डिंग की सारी बात कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो आपको लेजर अकाउंट बनाना है, कौन सा बनाना है, इसके बाद जो आपको लेजर अकाउंट बनाना है वो देखते हैं आप, हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अगली इंफॉर्मेशन आपको गिवन है फर्नीचर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका फर्नीचर अकाउंट बनाइए यहां पर, ये आपका बन गया फर्नीचर अकाउंट। हाँ जी, देखिए फर्नीचर का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस बीडी कितना 60,000, ये लिखिए 60,000 का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तुरंत कहां डाल दीजिए फटाफट ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये मैंने डाल दिया ओपनिंग बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना 60,000। ओके, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, उसके बाद आपको दिया है क्लोजिंग बैलेंस 68,000, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस इज योर 68,000। मुझे बताइए बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर डेप्रिसिएशन? सर दिस इज आफ्टर, ओ सॉरी दिस इज बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि लेजर अकाउंट का बैलेंस है, अभी डेप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं हुई। तो ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस सीडी, सिक्सटी एट थाउजेंड। तो यानी कि मैं कह सकता हूं अभी इसमें से डेप्रिसिएशन लेस होना बाकी है, तो अभी देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। वैसे दे रखा था रेट क्वेश्चन में कितना गिवन था, डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, फर्नीचर पे भी आपको डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 10% दे रखा है, तो लिख सकता हूं मैं डेप्रिसिएशन कितना 6,800। हाँ जी, तो एक तो डेप्रिसिएशन लग गया ये बाय डेप्रिसिएशन 6,800, अच्छा 60 इसमें से माइनस कीजिए 68,000 में से 6,800, 68,000 माइनस 6,800 ये हो गया 61,200, 61,200। तो ये 61,200 कहाँ जाएगा, ये 61,200 जाएगा आपका फर्नीचर में क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये आपका फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है
61,200। ओके, उसके बाद अब देखिए फर्नीचर में कुछ और एडजस्टमेंट विधि देख लेते हैं। वो कह रहा है सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हुज WDV 20,000 वाज सोल्ड फॉर 8,000। ठीक है जी, कुछ फर्नीचर के आइटम्स को हमने कितने में बेच दिया, तो मैं लिख सकता हूं बाय बैंक, कितने में बेच दिया, बाय बैंक 8,000, 8,000 रुपए में बेच दिया। 20,000 के फर्नीचर को हमने 8,000 रुपए में सेल कर दिया। तो जब मैं सेल की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक कैश और बैंक अकाउंट भी बनाकर चलना पड़ेगा। तो लिखिए ये हो गया आपका। अच्छा, कैश और बैंक आपका कंबाइंड था या कॉमन था, इसमें एक बार क्वेश्चन में चेक कीजिए, कैश एंड बैंक आपका कंबाइंड था। तो मैं लिख सकता हूं कैश एंड बैंक अकाउंट, कुछ ओपनिंग बैलेंस भी दिया रहेगा। अभी लिखते हैं फर्नीचर को बेचा तो टू फर्नीचर कितने में बेचा, 8,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है जी, ये आपकी ड्यूअल पोस्टिंग होगी इस सेल की एंट्री। क्या कह रहा था, उस पे डेप्रिसिएशन लगना है 10% और लिखा था सेल ऑफ फर्नीचर पे आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। मुझे बताइए ये जो 20,000 का फर्नीचर था इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कितना होगा, बताइए जी। ये हो गया आपका 1,000 रुपए का। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बाय डेप्रिसिएशन कितना 1,000, ये आपका 1,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, देखिए जी 20,000 का फर्नीचर 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन, यानी कि इसकी WDV रहेगी 19,000। 19,000 के फर्नीचर को आपने 8,000 में सेल कर दिया तो आपका लॉस हो गया कितने का, 11,000 रुपए का। तो लिखेंगे बाय PNL अकाउंट दैट इज योर लॉस, कितने का लॉस हो गया आपका 11,000 का। हाँ जी, 11,000 का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लिखिए यहां पर टू, एक तो लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना डेप्रिसिएशन था फर्नीचर पे, कितना डेप्रिसिएशन था 1,000 और 6,800, ये हो गया 7,800, 7,800 और टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना लॉस था, ये था आपका 11,000 का था। हाँ जी, 11,000 का आपका लॉस हो गया। बताइए मुझे क्या यहां तक के एडजस्टमेंट समझ में आई। हाँ जी, बिल्डिंग फर्नीचर के एडजस्टमेंट समझ में आई, बोलिए 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 बोलिए। ओके, अभी मैं आगे और कुछ नहीं बढ़ा हूं, सिर्फ मैंने बिल्डिंग और फर्नीचर के एडजस्टमेंट्स को करा है। मोटर कार ओपनिंग भी 80 और क्लोजिंग भी 80। ठीक है जी, मोटर कार अकाउंट बना लेते हैं। ये काम करते हैं, इसी के आगे ही कंटिन्यू कर देते हैं इसे। हाँ जी, तो अगला आपका अकाउंट कौन सा बनना है, दैट इज योर मोटर कार अकाउंट। हाँ जी, टू बैलेंस बीडी 80 एंड बाय बैलेंस सीडी कितना, ये भी आपका रहेगा 80। मुझे बता सकते हैं बिफोर या आफ्टर, ये भी हो गया सर बिफोर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना डेप्रिसिएशन बोला था इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं, कितना डेप्रिसिएशन बोला था मोटर कार पे, वो कह रहा था हाँ जी मोटर कार के डेप्रिसिएशन का रेट बताइए, ये रहा 20%, तो 20% लगा दीजिए, ये हो गया आपका 16,000, 16,000, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 64,000। तो लिखेंगे आप बाय डेप्रिसिएशन कितना 64,000। ओके, तो अगेन यहां पर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 16,000। ओके, अब इसके बाद आप आएंगे अगली एडजस्टमेंट पर। फिर वो क्या कहता है, फिर आपको बैलेंस दे रखा है ओपन इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री का आपको ओपनिंग नहीं दे रखा, क्लोजिंग दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, क्लोजिंग गिवन है। तो क्या लिखेंगे आप बताइए सर, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक,
जो कि गिवन नहीं है, लेकिन क्लोजिंग गिवन है, यानी कि बाय क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000, तो ये रहा आपका 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है तो मैं स्टॉक को यहां लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो, कितना 40,000 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद बताइए सर, इसके बाद आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? बिल्स पेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग देने दे रखा है, तो बीपी अकाउंट बना लेते हैं। एक अकाउंट बनाते हैं, कौन सा? ये बनेगा आपका बीपी अकाउंट। बीपी अकाउंट बनना है तो साथ साथ क्रेडिटर्स अकाउंट भी बना देते हैं। ये बन जाएगा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। डेटर्स ऑफ बीआर भी बना देते हैं। हाँ जी, डेटर्स और बीआर अकाउंट भी बना देते हैं। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ बना लेता हूँ। डेटर्स ऑफ बीआर के लिए यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है काफी, तो इसको ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, डेटर्स अकाउंट एंड बीआर अकाउंट। ठीक है जी। अब बीपी में आपको क्या गिवन था? बीपी में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग 28 और 16। 28 का ओपनिंग बैलेंस है तो लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी 28,000 एंड टू बैलेंस सीडी 16,000। 28 और 16 तो लिखेंगे आप यहां पर बीपी 28 और यहां पर लिखेंगे आप बीपी 16। ठीक है। उसके बाद देखिए, कैश एंड बैंक 180 एंड 104। कैश एंड बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, ओपनिंग इज 180 एंड क्लोजिंग इज 104। तो ओपनिंग दे रखा आपको 180 कैश एंड बैंक 180 एंड क्लोजिंग इज 104। ठीक है सर, ओके। इसके बाद क्या क्या गिवन है आपको? डेटर्स का ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग मिसिंग है, तो डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग गिवन है मतलब टू बैलेंस बीडी। कितना गिवन है? ओपनिंग डेटर्स इज 160। देखिए थोड़ा, देखिए लेंथी क्वेश्चन तो जरूर होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आपको यहां से तरीका पता लग रहा होगा। डेटर्स का आपको क्या गिवन था? ओपनिंग बैलेंस, तो डेटर्स लिख दीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट में। एंट्री से एंट्री को मिला लीजिए कि सर कहां पर क्या आना चाहिए। देखिए हर आइटम को मैं दो दो जगह डाल रहा हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी अकाउंट गिवन नहीं है। बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग 32 एंड 28। बीआर टू बैलेंस बीडी 32 एंड बाय बैलेंस सीडी 28। ओके, बीआर थर्टी टू एंड बी आर क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए 28। बताइए बताइए। हाँ जी, आगे क्रेडिटर्स 120 एंड निल। निल नहीं मतलब मिसिंग। क्रेडिटर्स बाय बैलेंस बीडी 120 एंड क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स डाल देते हैं 120। इसके बाद ये आपकी सारी ये इंफॉर्मेशन होगी। ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, सेल ऑफ ओल्ड पेपर वगैरह, मिसलेनियस इनकम 20,000, तो मैं यहां लिख सकता हूं टू मिसलेनियस इनकम, टू मिसलेनियस इनकम 20,000। पीएनएल अकाउंट में डाल दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए।
बाय मिसलिनियस इनकम 20,000, उसके बाद मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस। अच्छा एक्सपेंसेस में आपको कुछ दे रखा था, एक्सपेंसेस में आपको एडजस्टमेंट दे रखी थी, ये एडजस्टमेंट है, तो एक्सपेंस अकाउंट बना लेते हैं। एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट हाँ जी, टू बैलेंस बीडी। मुझे बताइए क्या कोई प्रीपेड दे रखा है? हाँ जी, क्या कोई प्रीपेड दे रखा है? आंसर इज प्रीपेड गिवन नहीं है। बाय बैलेंस बीडी, क्या कोई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और 31 मार्च 16 8,000। अच्छा सैलरी और एक्सपेंस इकट्ठे करके दे रखा, तो हम इकट्ठे एक ही अकाउंट बना लेते हैं। 8,000 जो कि आपका 8,000। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी इज कितना था? 10,000, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आपका यहां पर भी आएगा, बैलेंस शीट में भी आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग इज 8,000 एंड क्लोजिंग इज 10,000। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दे रखा था? वो कह रहा था एक्सपेंसेस, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, ये पेड है। पेड कैसे पता लगा सर? कैश ट्रांजेक्शन, मतलब इतने खर्चे हमने पे करे हैं। 80,000 की सैलरी पे करी है, 80,000 की सैलरी पे करी है, तो दो जगह कहां कहां पर आएगा? एक तो यहां पर आ जाएगा बाय कैश एंड बैंक में, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस कितना? 80,000 पे करें, और साथ साथ आपका एक्सपेंस अकाउंट में भी आ जाएगा। ये आपका एक्सपेंस अकाउंट आ गया, टू बैंक 80,000। ठीक है बच्चे, हाँ जी आगे देखिए। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2 लाख, डेटर से पैसे आए 2 लाख, डेटर से कलेक्शन हुई तो क्या एंट्री बनेगी? देखिए जहां कंफ्यूजन हो वहां एंट्री डालो, तो बैंक टू डेटर्स, बैंक टू डेटर्स, तो डेटर्स में लिख सकता हूं मैं बाय बैंक कितना? 2 लाख। और बैंक में क्या लिखूंगा? बैंक में आई विल राइट टू डेटर्स, टू डेटर्स 2 लाख। हाँ जी आगे देखिए, कैश परचेजेस, कैश परचेजेस का क्या करेंगे अब? बाय परचेजेस कितनी सर? कैश परचेज कितनी? 48,000। कैश परचेज को कहाँ लेके जाऊं? कैश परचेज को लेके जाओ पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या लिखोगे आप? टू परचेजेस कैश में 48,000। ओके, उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स 184, पेमेंट टू क्रेडिटर इज 184। पेमेंट टू क्रेडिटर्स बताइए क्या लिखेंगे हम? बोलिए क्रेडिटर्स टू बैंक, टू बैंक 184, और बैंक में, बैंक में लिखिए बाय क्रेडिटर्स 184। उसके बाद कैश सेल्स 80,000। कैश सेल्स, कैश सेल्स का कहां लिखूं सर? कैश सेल्स टू सेल्स कितनी बोली थी इसने? 80,000, तो ये लिख दी मैंने 80,000। और साथ साथ कहां लिखूंगा मैं? साथ साथ लिखूंगा बाय सेल्स कैश में 80,000। ओके आगे देखिए, ये इंफॉर्मेशन पूरी होगी। अब अदर इंफॉर्मेशन में जाते हैं। बी आर ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर 20,000, बी आर ड्रॉ करते हैं, एंट्री क्या बनती है? बी आर ड्रॉ करने की एंट्री बताइए सर, बी आर ड्रॉ करने की। बी आर टू डेटर्स, तो बी आर टू डेटर्स, तो डाल देते हैं हम टू डेटर्स कितना? 20,000 के बिल ड्रॉ करेंगे, लिए 20,000, और यहां लिखेंगे बाय बी आर 20,000। साथ साथ में बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड की एंट्री बताइए। क्रेडिटर्स टू बीपी, तो क्रेडिटर्स टू बीपी,
हम क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स 16,000, यहां लिखेंगे टू बीपी 16,000। ओके, इसके बाद ये वाली एडजस्टमेंट जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी, ये डेप्शन वाली, ये हमारी पूरी हो गई है। ओके, ऑफ द डेटर्स अ सम ऑफ 8,000 इज रिटन ऑफ एज बैड डेट, 8,000 के बैड डेट हो गए, 8,000 के बैड डेट हो गए। क्या एंट्री बनाएंगे, बैड डेट टू डेटर्स, तो डेटर्स में लिखेंगे बाय बैड डेट्स। बताइए जी, डेटर्स में क्या लिखेंगे आप, बाय बैड डेट्स, कितना 8,000। सर बैड डेट्स कहां जाएगा, बैड डेट्स जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट में, टू बैड डेट्स कितना 8,000। उसके बाद वो क्या कह रहा था, वो कहता है 2% का प्रोविजन बनाना है ऑन बैड डेट्स, 2% का प्रोविजन बनाना है बैड डेट्स। अभी रुक जाते हैं इसको, इसको इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, 2% का प्रोविजन बनाना है, क्योंकि अभी हमें डेटर्स का क्या नहीं दे रखा, क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो पहले यहां पर क्लोजिंग बैलेंस निकालना जरूरी रहेगा। उसके बाद देखते हैं, मिस्टर शिव कुमार हैज बीन मेंटेनिंग अ स्टेडी जीपी रेट ऑफ 30% ऑन टर्नओवर। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जीपी रेशियो क्या है 30%, तो मैं लिख सकता हूं टू जीपी 30%। अभी सेल्स तो गिवन नहीं है, सेल्स देखते हैं अभी। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह का। अच्छा, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 40,000, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ये लिखिए, ओपनिंग बैलेंस है पीएनएल अकाउंट का कितना, ने बोला है 40,000 का, तो ये मैंने लिख दिया 40,000। इसको ड्यूअल पोस्टिंग क्या करेंगे आप, यहां पर लिखेंगे पीएनएल अकाउंट। हाँ जी, आप लिखेंगे यहां पर पीएनएल अकाउंट कितना, ओपनिंग बैलेंस 40,000। अब ड्यूरिंग द ईयर देखते हैं क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड फॉर कैश। ठीक है जी, वो कह रहे हैं 20% ऑफ टोटल सेल एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड फॉर कैश। बताइए, ये जो परचेज दे रखे हैं, ये जो यहां पर 48,000 की परचेज दे रखी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है। हाँ जी, ये जो आपको 48,000 की परचेज दे रखी है, वो कह रहा है इसमें से 20% क्या है, इसमें से 20% तो हमारी क्या है, कैश है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो 48,000 है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेगा, एक सेकंड, थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट कर लूंगा। हाँ जी, तो ये 48,000 ये आपको 20% दे रहेगा, तो यानी कि ये 48,000 अगर ये 20 है, तो आप बता सकते हैं 80 कितना होगा। सर ये क्या किया आपने, ये क्या किया, ये क्रेडिट परचेज निकाला है, मुझे बताइए। वो कह रहा है 20% तो कैश परचेज है, तो अगर 20% कैश परचेज है तो 80% क्रेडिट होनी चाहिए, तो 48,000 अगर 20 है तो क्रेडिट कितनी रहेंगी। हाँ जी, क्रेडिट कितनी रहेंगी, 80 रहेंगी। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ना नीचे शिफ्ट कर देता हूं, ताकि आपको यहां पर लिखने में आसानी हो जाए। इसको एक काम करता हूं, टू परचेज क्रेडिट वाली, ये कैसे निकलेंगी, इसको एरो को इसके साथ ले आते हैं। ये ऐसे निकलेंगी, कितनी आती है, अगर 48,000 20 है तो 80 कितनी होगी, ये होगी 1,92,000। तो लिखे यहां पर 192, ये आपकी होगी क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज को आप कहां डालोगे, हाँ जी, क्रेडिट परचेज को कहां डालोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में। तो लिखोगे आप बाय परचेजेस कितना 192। सेम गोज फॉर सेल्स, वो सेल्स के लिए भी सेम पॉइंट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेंगी, बाय सेल्स दैट इज योर क्रेडिट, ये कैसे निकलेंगी। वो कह रहा है 20% तो कैश है, यानी कि ये जो 80,000 है, अगर ये 80,000 जो है आपकी, हाँ जी, कि ये जो 80,000 है आपकी, अगर ये 20 है
तो 80 कितनी होगी बताइए, 80 कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी 320,000, 320। ओके, अब आप जीपी निकाल सकते हैं, अब आप जीपी निकाल सकते हैं 30%। वो कहता है जीपी इज 30%। अब मुझे बताइए 30% किसका होगा, कैश सेल्स का या क्रेडिट का या दोनों का? आंसर इज दोनों का होगा, यानी कि 3 प्लस 4 लाख, क्योंकि आपका 4 लाख, सॉरी 4 लाख का 30%, 120 हो गया आपका प्रॉफिट इज योर 120। 4 लाख तो टोटल सेल्स होगी ना, तो ये कितना हो गया आपका 120। बताइए जी ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी, तो क्रेडिट सेल्स अब हम डेटर्स अकाउंट में डाल सकते हैं, डेटर्स टू सेल्स, टू सेल्स कितनी 320। आगे देखिए वो कह रहे एडिशन इन द फर्नीचर अकाउंट टू इन द बिगनिंग प्लेस एंड नो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग डेट्स। ठीक है, ये हमने सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की यहां पर पोस्ट कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहले क्या ट्रेडिंग अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन पूरी है? हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट सारी इंफॉर्मेशन पूरी है। ओपनिंग स्टॉक निकाल लेते हैं, बस ओपनिंग स्टॉक चेक कीजिए 48, ये निकलेगा आपका 40 प्लस माइनस 48 माइनस 192 माइनस 120, 80,000 का ओपनिंग स्टॉक आ रहा है आपका, 80,000 का ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ डालेंगे सर? ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने लिखा स्टॉक इज योर 80,000 का, 80,000। देन बाय जीपी कितना था 120। क्या अभी हमारी पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड में क्लोज करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी एंड में क्लोज होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले बिल्डिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। देखिए यहां पर क्या आ रहा है बैलेंसिंग फिगर में, ये डेप्रिसिएशन हो गया, क्लोजिंग हो गया, ये आपका आएगा टू बैंक, क्योंकि वो बिल्डिंग क्या करता है परचेज हुई है, टू बैंक कितना 324 + 36 - 320, ये हो गया 40,000 की बिल्डिंग परचेज हुई है, 40,000 की बिल्डिंग परचेज हुई है। मुझे बताइए बिल्डिंग परचेज हुई तो आपको साथ साथ यहां डालना पड़ेगा कैश एंड बैंक अकाउंट में बाय बिल्डिंग 40,000, तो ये आपका बिल्डिंग अकाउंट भी क्लोज हो गया। ये आपका बिल्डिंग अकाउंट भी क्लोज। ओके, फर्नीचर अकाउंट पे अगर आए आए तो फर्नीचर अकाउंट को क्लोज कीजिए। फर्नीचर का क्लोज होता है आपका 8,000 प्लस प्लस 11,000 प्लस 6,800 प्लस माइनस 60। इसमें भी आपकी एडिशन है टू बैंक कितना, ये बैंक आ रहा है आपका 28,000। क्या लिखेंगे आप यहां पर, बाय फर्नीचर 28,000। हाँ जी, फर्नीचर के बाद मोटर कार देख लेते हैं। मोटर कार का तो आपका हो गया 16,000, तो ये तो आपका मेरे ख्याल से पूरा ही हो गया। हाँ जी, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है, तो ये तो आपका बराबर हो गया अकाउंट। बीपी अकाउंट, हाँ जी, अब बीपी और क्रेडिटर्स को क्लोज करते हैं। देखिए बीपी में आपको क्या मिसिंग है, बीपी में आपका क्या मिसिंग है बताइए जी, बीपी में आपका मिसिंग है कि कितने बीपी को हमने पे किया टू कैश, कितना 28,000, यह आ जाएगा आपका 28,000। कहां पर लिखेंगे सर बताइए, कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बाय बीपी कितना 28,000। उसके बाद क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स का आपका क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग था टू बैलेंस सीडी, कितना आएगा चेक करें, क्रेडिटर्स का आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 192 प्लस 120 प्लस
माइनस 184 माइनस 16 का आता है 1,12,000, 112,12,000। तो ये भी हो गया, बीपी भी हो गया, क्रेडिटर्स भी हो गया। उसके बाद कैश और बैंक एंड में करेंगे। डेटर्स अकाउंट और बीआर अकाउंट देखते हैं। पहले बीआर अकाउंट देख लेते हैं। बीआर में आएगा आपका बाय बैंक कलेक्शन, बाय बैंक अकाउंट कितना 32 प्लस 20 माइनस 28 ये हो जाएगा 24,000। ट्वेंटी फोर थाउजेंड के क्या आ रहे हैं आपके बाय बैंक, तो आप यहां लिखेंगे टू बी आर। बी आर से कितने कलेक्शन हुई 24,000। डेटर्स अकाउंट में क्या मिसिंग था आपका, डेटर्स में आपका ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, हमने क्या नहीं डाला डेटर्स में, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना है डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालिए, चेक कीजिए। ये आपका आता है 160 प्लस 320 माइनस 2 लाख माइनस 20 माइनस 8,000, ये आपका 252 आ रहा है। लेट मी चेक, डेट इज 252। ओके है बिल्कुल 252 डेटर्स का आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो ये आपका कहां चला जाएगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। लेकिन इस पे प्रोविजन भी कह रहा था, तो प्रोविजन लेस कर देते हैं। लेस प्रोविजन एट द रेट ऑफ 2% कह रहे थे, चेक करते हैं 2% ही था, प्रोविजन का रेट इज 2%। ठीक है जी, तो 252 का 2% 5040, तो माइनस कीजिए 5040 246960। हाँ जी, ये हो गया 246960। प्रोविजन को साथ साथ पीएनएल अकाउंट में भी लिख देते हैं, टू प्रोविजन ऑन बैड डेट्स 5040। इसके बाद अब देखिए क्या रह गया, डेटर्स भी हो गया, बीआर भी हो गया, एक्सपेंस अकाउंट देख लेते हैं। बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट 90 माइनस 8 82 आना चाहिए, चेक कीजिए 82 आ रहे हैं, जा रहे 82। ठीक है, टू एक्सपेंसेस 82। और क्या रह गया, अब कैश और बैंक को क्लोज करते हैं, कैश और बैंक को क्लोज करते हैं। कैश और बैंक में उसने बैलेंसिंग फिगर के बारे में कुछ बोला था, एक बार चेक कर लेते हैं। 180 प्लस 8,000 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 80 प्लस 24 माइनस 80 माइनस 48 माइनस 184 माइनस 40 माइनस 28 माइनस 28 माइनस, ये आपका मैच हो गया पूरा। तो कैश और बैंक अकाउंट आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा टैली हो गया आपका। हाँ जी, अब देखिए आपकी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट पे आता हूं मैं, ये सारी चीज होगी आपकी। ठीक है जी, अब आप ओपनिंग बैलेंस शीट पे आइए और कैपिटल निकाल के दीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट को यूज करके यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल। थ्री ट्वेंटी प्लस 60 प्लस 180 प्लस 160 प्लस 32 प्लस 80 माइनस 8,000 माइनस 120 माइनस 28 माइनस 40, यार ये 6,36,000,
636 की कैपिटल आ रही है, चेक करिए। ये तो 716 आ रही है, एक बार चेक करते हैं, कुछ गलती। 40 28 128, ठीक है। बिल्डिंग हो गया 320, हो गया 60, हो गया 80, हो गया 180 160, 32, सब कुछ तो ठीक है, ये कैलकुलेशन गलती तो नहीं होगी। 320 प्लस 60 प्लस 180 प्लस 160 प्लस 32 प्लस 80 माइनस 8 माइनस 120 माइनस 28 माइनस 1 बार इसको चेक करते हैं। इसमें हम लिखना भूल गए मोटर कार, मोटर कार का दैट इज सॉरी ओपनिंग बैलेंस 80,000 लिखना भूल गए, तो हम यहां पर लिख देते हैं कहीं, मैं लिख देता हूं, मैं मोटर कार 80,000। अब आपका आ जाएगा कैपिटल इज योर 7,16,000। ओके, ये आपकी कैपिटल आ गई 7,16,000। तो कैपिटल को यहां पर भी लेके जाएंगे हम 7,16,000। अब एक बार प्रॉफिट और लॉस चेक कर लेते हैं, ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। यार आपका 120 प्लस 20 माइनस 36 माइनस 78 माइनस 11,000 माइनस 16,000 माइनस 8,000 माइनस 5,040 माइनस 25,840 का लॉस आ रहा है। हाँ जी ठीक है जी, बाय नेट लॉस 25,840 बताइए जी। ठीक है जी, ओके बिल्कुल ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट 40,000 में से माइनस हो जाएगा लॉस 25,840, तो कितना आ गया आपका 14,160, 14,160। अब देखते हैं बैलेंस शीट टोटल मैच होता है या नहीं। बैलेंस शीट मैच हुआ, सेवन फाइव सिक्स वन सिक्स जीरो माइन अच्छा क्रेडिटर्स तो लिखे नहीं, एक तो इसमें क्रेडिटर्स रह गए, क्रेडिटर्स 112 और आउटस्टैंडिंग हो गया 10,000, ये भी हो गया ठीक है। एक तो क्रेडिटर्स रह गए और डेबिट साइड चेक कर लेते हैं, 324 हो गया, 16,000 का क्या था, मोटर कार यहाँ भी रह गई। मोटर कार ने क्या कर दिया आज, मोटर कार कितनी थी 64,000, और क्या रह गया। अब मैच करते हैं 716 प्लस 14,160 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 1,12,000 माइनस 64,000 माइनस 324 माइनस 61,200 माइनस 40,000 माइनस 104 माइनस 28,000 24,960, ठीक है जी। अब ये हमारा मैच हो गया, दिस इज योर टैली। बताइए जी, ये एक हमारा क्वेश्चन था, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चे क्या है, आपको तरीका समझना है क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर में उतना ज्यादा काम है आपके लिए। इसमें आपको तरीका समझना है कि किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इंस्टीट्यूट इस टाइप के क्वेश्चन को लगभग आपसे 15 नंबर तक का पूछता है। ये जो क्वेश्चन हमने किया था,
ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन लगता है। हमें तो यहाँ पर टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं आपको साथ साथ समझा भी रहा था, तो 15 मार्क्स के लिए जो हमारी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए दैट इज योर लगभग 25 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, ये टाइम लिमिट याद रखिएगा। 15 मार्क्स के लिए 25 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। वैसे तो मैं एक चीज बोलता हूं कि हर मार्क, वन मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट, तो अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 के हिसाब से 27 मिनट्स बैठते हैं, तो एक दो मिनट तो कम करके ही हमेशा चलेंगे, तो आप ऑन एन एवरेज 25 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके चलेगा। ये हमारा एक ही एस्पेक्ट था, मैं अभी इसी वीडियो में अगला एस्पेक्ट कवर नहीं कर रहा, वो मैं आपसे इसका पार्ट टू शेयर करूंगा बाद में। अब आपको क्या करना है, अगली जो मैं आपको वीडियो दूंगा दैट इज कमिंग ट्यूजडे, कमिंग ट्यूजडे। अब आपके पास दिन कितने हैं, थर्सडे आ जाओगे, आज का दिन चलो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, चार दिन आपके पास। इस चार दिन में व्हाट यू हैव टू डू, टारगेट टिल कमिंग ट्यूजडे, एक तो आपको सिंगल एंट्री पूरा रिवाइज करना है ऑल क्वेश्चंस और पार्ट वन, अभी मैंने पार्ट टू कराया नहीं है, लेकिन आपको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों ही करके चलने हैं। इसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप रिवीजन पे आप आ सकते हैं, रिवीजन तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आपको ICAI के स्टडी मटेरियल प्लस RTPs, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, पिछले चार अटेम्प्ट की, नवंबर 18 एंड मई 18, ये चार RTPs आपको कर दिए, और सजेस्टेड आंसर्स नवंबर 19 एंड मई 19, ये सब आपको कंटेंट करके रखना है। सिंगल एंट्री के लिए भी चैप्टर स्पेसिफिक होकर काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं ट्यूजडे वाली वीडियो में आपके साथ छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करूंगा, कौन कौन से, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, एक ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कौन सा करूंगा, बोनस इशू का टॉपिक डिस्कस करूंगा, प्लस राइट इशू। ये तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और साथ में सिंगल एंट्री का पार्ट टू भी रहेगा, सिंगल एंट्री का पार्ट टू रहेगा, और ये टॉपिक्स रहेंगे कमिंग ट्यूजडे वाली क्लास में। जो ट्यूजडे को आपको वीडियो मिलेगी वही सब मिलेगी, लेकिन आपको ट्यूजडे तक सिंगल एंट्री के सारे क्वेश्चंस करके रखने हैं यहां से, एंड इस चैप्टर्स को भी, इन चैप्टर्स को भी आपको यहां से पूरा का पूरा क्या करके चलना है, एक बार रिवाइज करके चलना है, तभी आप रिवीजन वीडियो का फायदा उठा पाएंगे। तो आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोगों का काफी बेनिफिट रहेगा अगर मैं इस तरीके से आपको रिवाइज कराता चलूं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो सर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी पर्सनल डिटेल्स आप लोग के पास अवेलेबल है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई परेशानी आती है, अगर आपको लगता है कि सर इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा वीडियोज बनेगी तो मैं वो टॉपिक भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, उससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ठीक है जी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार दीजिए। ठीक है जी, चलिए फिर, एंड एक बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती चलिए फिर हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।